दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मैं सीडी सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोट्यूब ट्यूटोरियल्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसीटीवी इंडस्ट्री में आने वाली ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है कि ऑडियो लाइव व्यू में नहीं आ रहा है, या कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लाइव व्यू में ऑडियो आ रहा है लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, मीन्स प्लेबैक में हमें ऑडियो नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम ऑडियो इनेबल करते हैं। उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में जाएंगे, वीडियो एंड ऑडियो ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे वीडियो टाइप में वीडियो एंड ऑडियो आपको सेलेक्ट करना है। मेन स्ट्रीम के लिए, सभी चैनल्स के लिए आपको वीडियो टाइप में वीडियो एंड ऑडियो सेलेक्ट करना है और यही चीज़ आपको सब स्ट्रीम में भी सेलेक्ट करना होता है। जो स्ट्रीम टाइप में आप सब स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, वीडियो टाइप में वीडियो एंड ऑडियो सेलेक्ट करेंगे और इस सेटिंग को सेव कर देंगे। दोस्तों सब स्ट्रीम सेटिंग में ऑडियो करने से मोबाइल में ऑडियो नहीं आता है, इस प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली मोबाइल में सब स्ट्रीम पे ही स्ट्रीमिंग होती है। मोबाइल ऐप में जब हम वीडियो चेक करते हैं, ये सेटिंग्स करने के बाद आपको लाइव व्यू एंड प्लेबैक में ऑडियो अवेलेबल होगा, ऑडियो मिल जाएगा। बट समटाइम्स NVR के द्वारा की गई सेटिंग्स कैमरे पे एप्लीकेबल नहीं होती है, अप्लाई नहीं होती है। तो आप इस सेटिंग के लिए कैमरे को डायरेक्ट ब्राउजर पे ओपन करके वहाँ पे भी वीडियो टाइप में वीडियो एंड ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये सेटिंग्स करने के बाद भी ऑडियो की रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो उसके लिए हमें एडिशनल सेटिंग भी करनी पड़ती है। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में जाना है, रिकॉर्ड ऑप्शन में, शेड्यूल सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे एडवांस ऑप्शन आपको मिलेगा। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद एक एडिशनल ऑप्शन सामने खुल करके आता है, जिसमें दो चेक पॉइंट्स बने रहते हैं। एक रहता है रिकॉर्ड ऑडियो और दूसरा रहता है रिकॉर्ड ANR। तो अभी हम रिकॉर्ड ऑडियो की बात करेंगे। रिकॉर्ड ऑडियो को आपको सेलेक्ट करना है और स्ट्रीम टाइप में मेन स्ट्रीम करना है, ओके करना है और ये सेटिंग्स आप सभी चैनल पे कॉपी कर देंगे और सेम यही चीज़ आपको सब स्ट्रीम के लिए भी करना है। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी भी आप लोगों को ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो में दी गई जानकारी के द्वारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।